नमस्कार दोस्तों, अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास फोनेट का स्टीरियो आया, इसके अंदर पानी गया हुआ है और इसको रिपेयर करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत आती है और क्या फॉल्ट क्लियर होता है। और कंपनी ने भी चेक कर लिया, इसके अंदर पानी गया हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ से ऊपर क्या पानी चला जाता है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे स्टीरियो को, देखते हैं क्या क्या फॉल्ट क्लियर होता है इसमें। फिलहाल ये ऑन तो हो रहा है गाड़ी में, लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। और उसके अंदर डिस्प्ले भी आना है और टच भी वर्क करनी चाहिए। हम चेक करके बताते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसके अंदर भी अपना स्टीरियो में पानी गया हुआ है आपके, इसको चेक करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या परेशानी आ रही है। इसका रिबन भी जो देखे हमने कि बहुत ज़्यादा गला हुआ है, देख रहे हो कंडीशन इसकी रिबन की, पानी से कितना गल गया है। तो हमें इस चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड पर कुछ भी खाने पीने का सामान ना रखें, तो उससे क्या कि पानी अंदर चला जाता है और स्टीरियो हमारा वाटर डैमेज हो जाता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कोई आ रही है, आपकी गाड़ी के अंदर स्टीरियो में कुछ फंक्शन बंद हो गए हैं, तो 99% इसमें पानी चला जाता है। तो हमें इस पोजीशन में क्या करना चाहिए कि इसका गाड़ी के अंदर फ्यूज़ निकलवा देना है। फ्यूज़ निकालने से क्या रहेगा कि इसके अंदर हमारा जो पानी जो गया हुआ है वो पावर के साथ मिल के और ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि जितना नुकसान हमारा पानी और पावर दोनों मिल के करते हैं, अकेला नहीं करता स्टीरियो में पानी इतना। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसका फ्यूज़ निकलवा देंगे स्टीरियो का, तो इसमें पावर नहीं रहेगी, या स्टीरियो के कपलर डिस्कनेक्ट करवा देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अंदर आईसी शॉर्ट हो जाता है, आईसी भी हम चेंज कर दिया ये वाला, और इसका जो जैक था जैक रिपेयर कर दिया, ट्रैक जो गल जाते हैं इसके वो भी रिपेयर हो जाएंगे। स्टीरियो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जैसा नया कंपनी से आया था उस पोजिशन में। जो रिबन है रिबन भी हम चेंज कर देंगे जो गला हुआ है ये वाला, तो एक बार रिबन चेंज करके और आईसी डाल के हम आगे चेक करते हैं क्या पोजीशन आती है। इसके पानी ने पीछे तक डैमेज किया हुआ है, तो इसके जो कुछ रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू शिफ्ट हो गई है वो चेंज करनी पड़ेगी। और जो ट्रैक गल गए हैं, जो पीछे से जो डबल प्रिंट होते हैं, पीछे से पावर नहीं क्रॉस कर पाते, उनकी जगह हमें प्रिंट बनाने पड़ेंगे, वो ही बना देंगे इसमें। करते हैं फंक्शन क्या क्या वर्किंग में है, क्या नहीं है। टच भी वर्किंग में आ गई है और डिस्प्ले भी आ गए, बाकी जो फंक्शन है गाड़ी में लगा के चेक करेंगे इसको। मेरा नाम पवन है, मैं पिछले 2 साल से सोनेट यूज कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले से मेरा जो स्टीरियो सिस्टम है ये डिस्प्ले ब्लैंक हो गया था, तो मैं दोस्तों मैं गया सर्विस सेंटर पर किया गाजियाबाद में, उन्होंने मुझे बताया कि आपका सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा, इसे रिप्लेस कर दो आप। मुझे एस्टीमेट बिल बताया गया 38 से 40 हज़ार रुपये, और मतलब चेक करने के मुझसे 5-6 हज़ार रुपये ले लिए गए वहाँ पर सिर्फ चेक करने। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो मैंने बोला कि आप रिपेयर कर दीजिए इसको, तो बोले नहीं रिपेयर नहीं होगा हमारे यहाँ, आपको चेंज ही कराना पड़ेगा। तो मैं एज इट इज़ मैंने पैक कराया इसको, मैं घर आ गया। उसके बाद मैं इधर आया करोलबाग में, करोलबाग मार्केट में मैंने 2-3 जगह पूछा, तो मुझे ये बताया गया कि आपको अगर काम कराना है इसका तो अनिल भाई के पास चले जाओ, वही कर सकते हैं इसका जो हो सकता है। तो आज मैं बेसिकली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो मैं मॉर्निंग में 2-3 बजे यहाँ पर आ गए थे दोपहर में, तो अनिल भाई से जैसे बात हुई, इन्होंने बताया मुझे कि आपका ठीक है, जो जो इशू है
हम इसको देख लेंगे, रिजोल्व कर देंगे और मतलब लेजिटिमेट प्राइस में, और बहुत अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है कि आज बहुत दिनों बाद डिस्प्ले एकदम ओके हो गया, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। थैंक यू भैया, हम यही चाहते हैं, हम लोग आपकी सेवा करते रहें, लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त की जरूरत पड़ती है काम के लिए, वो थोड़ा हम कस्टमर से यही कहते हैं टाइम मिल जाए तो आपका काम भी थोड़ा अच्छे तरीके से हो सकता है। अरे भैया बिल्कुल, मतलब काम हो जाता है ना तो 90% उम्मीद तो हम करके देते हैं, लेकिन कई बार क्या है पोजीशन ऐसी आ जाती है चीज डैमेज ज्यादा हो जाती है या किसी मैकेनिक से ज्यादा खराब होने के कारण हम नहीं कर पाते, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो काम कर पाएंगे कोशिश जरूर करते रहेंगे आपके काम के। नहीं नहीं भैया, बहुत बढ़िया लगा, आपका सर्विस देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप स्टीरियो ठीक करवाना चाहते हो तो आप कोरियर से ही भेज सकते हो, ऑल इंडिया से फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कोरियर से भेजिए, पैकिंग अच्छी करके भेजिए। अनिल लोडियो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लोकेशन एड्रेस आपके पास आ जाएगा।